मध्य प्रदेश में जहां कमलनाथ सरकार पर संकट के बादल छाए हुए थे, वहीं बता दें आपको कि मध्य प्रदेश में सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। 26 मार्च तक सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। कमलनाथ सरकार पर संकट के बादल अभी छट गए हैं। बता दें आपको कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और उसके बाद से ही बता दें आपको कि कमलनाथ सरकार पर संकट के बादल छाए हुए थे। कमलनाथ सरकार गिरने की कगार पर थी। वही आपको बता दें कि आज फ्लोर टेस्ट होना था, लेकिन सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। बता दें आपको कि सिंधिया के साथ साथ लगभग 19 से 22 विधायकों ने इस्तीफा सौंपा है और इसी के साथ ही कमलनाथ सरकार का आरोप भी है कि विधायकों को बंधक बनाया गया है। बताते चलिए आपको कि मध्य प्रदेश में सदन की कार्यवाही स्थगित होने से कमलनाथ सरकार पर संकट के बादल छट चुके हैं। अभी फिलहाल बता दें आपको कि 26 मार्च तक सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। बता दें आपको कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी का दामन थामा है और तभी से बता दें कि कमलनाथ सरकार पर खतरे की घंटी लगी हुई है, जहां पर बता दें आपको कि आज मध्य प्रदेश में फ्लोर टेस्ट होना था, लेकिन मध्य प्रदेश में सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दी गई। SPN9 न्यूज रूम से श्रुतिक रिपोर्ट।